ध्रुव श्री पढ़ने ये जो चीज मैं आज बताने लगा हूं ना अभी ये दोबारा करूंगा डिस्कस जब मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नाम की चीज सिखाऊंगा। ये जुलाई के शुरू में कहीं या जून के एंड में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब ये बात दोबारा बताऊंगा जब ये बताने लगा हूं। लेकिन अभी बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सवाल में काम आएगी। एक सवाल दिया था होमवर्क, कोई परेशानी एतराज अगर किया हो ईमानदारी से तो होना चाहिए तो नहीं। इसमें जो बिल्डिंग एक्स थी, एन ऑफिस बिल्डिंग ओन्ड बाय एएल वाज परचेज, दिस बिल्डिंग इज मेनली यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, यानी ये पीपीई है, और इसकी लाइफ बता दी, फेयर वैल्यू बता दी, और उसके बाद रिक्वायरमेंट से ऊपर लिखा हुआ है कि एएल फॉलोज रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर पीपीई। तो ये तो आप बचपन से जवान हो गए रिवैल्यूएशन करते करते, ये तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। तो प्रॉपर्टी एक्स की एंट्रीज में फिर भी अगर किसी को कोई मसला है तो पहले वो शर्म करे और उसके बाद पूछ ले जो पूछना है। प्रॉपर्टी एक्स की एंट्रीज में कोई एतराज? शर्म आनी चाहिए अगर एतराज हो तो। बोटे पूछे बेटा अगर कोई मसला आपका तो प्रॉपर्टी एक्स में बताएं कोई मसला है। जो पूछने को सोच भी रहा तो शर्म आनी चाहिए। पूछे आप प्रॉपर्टी एक्स डन, प्रॉपर्टी वाई ये बेशक आपको इसकी लाइफ बता दी। प्रॉपर्टी वाई होमवर्क वाले सवाल की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क था उसकी बात कर रहा हूं। प्रॉपर्टी वाई अनदर बिल्डिंग ओन्ड बाय एएल वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर 8 मिलियन। This building was purchased for the objective of earning rentals. तो ये investment property है और इसी paragraph की last line में लिखा हुआ है, बल्कि अगले paragraph में कि investment property के लिए fair value model follow होता है। तो इसके लिए चूंकि fair value model follow होता है तो इस building को हर साल के end पे fair value पे update करेंगे जब ये खरीदी होगी। अच्छा सवाल में मैंने मांगी है entries किसकी? 2018 की या 18 तक? 18, बस 18 की। लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टी वाइज सारी ही बता देता हूं। 1 जुलाई 2017 को क्या एंट्री की होगी? इन्वेस्टमेंट 1 जुलाई 2017 ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। क्वेश्चन नंबर 4 प्रॉपर्टी वाई, बेशक मैंने सवाल बनाया हुआ जिसमें मैंने सिर्फ 2018 की एंट्रीज रखी हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कि सारी एंट्री समझाने के लिए मैं आपको ये सारी शुरू से कर देता हूं। फिर इसके बाद क्या हुआ होगा? डेप्रिसिएशन
फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिसिएशन नहीं होगी, तो फिर लाइफ क्यों बताई गई? नहीं बस लाइफ बताई गई ऐसी बस। तो इसलिए फेयर वैल्यू मॉडल है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं होगी, लेकिन 31 दिसंबर 2017 इसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे। कितनी? 31 दिसंबर 2017 ईयर एंड वो थी 8.5, तो इसको बढ़ाना है 0.5, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मजीद डेबिट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और P&L क्रेडिट 0.5। फिर इसके बाद 31 दिसंबर 18 तक आके ये बढ़ के 9.4 हो गई। कितनी बढ़ गई? 8.5 तक अपडेट कर लिया था ना, अब 18 में मजीद कितना बढ़ाना है? 0.9। तो 31 दिसंबर 18 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और P&L क्रेडिट 0.9। ये प्रॉपर्टी वाई है। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं की? क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल में नहीं करनी डेप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन 4 था। प्रॉपर्टी वाई में देख लीजिए तफसील से, जो भी अंग्रेजी पढ़ के किसी को जरा सी भी कंफ्यूजन है तो लेकर पूछे। मैंने सवाल में 18 ही पूछा था, ये वैसे आपके लिए मैंने ये डीबी करके दिखाई है कि 17 में क्या हुआ होगा। प्रॉपर्टी वाई ओके ओके। अच्छा वो अभी आपको आगे बताने लग गया था, एक पॉइंट तो कल मैंने बताया नहीं, एक्सेप्शन तो मैंने नहीं लिखवाई थी ना। हाँ वो पहले एक्सेप्शन तो लिख लें। फेयर वैल्यू मॉडल पे था मैं, और उसमें एक बात ये बताई थी कि हर साल के एंड पे, हर अकाउंटिंग ईयर के एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे। ऐसा करने से जो गेन लॉस आएगा वो P&L में जाएगा। P&L में जाने का मतलब है कि उसको इनकम या एक्सपेंस बनाएंगे और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। ये तीन बातें लिखवाई थी। अच्छा जब PPE पढ़ रहे थे, PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो उसमें कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल फैसला किस बेस पे के एक बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे रख रहे हैं, एक बिल्डिंग रिवैल्यूएशन पे रख रहे हैं? फिर पूरी क्लास की बेस पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लास ही एक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लास ही एक है, इसलिए सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या कॉस्ट मॉडल पे होगी या फेयर वैल्यू मॉडल पे होगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ना बहुत सारे एसेट्स थे, गाड़ियां भी हैं, फर्नीचर भी है, बिल्डिंग भी है, और प्लांट इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, बहुत कुछ है, इसलिए उनकी बहुत सारी क्लासेस थी, क्लासेस। और कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल का फैसला पूरी क्लास लेवल पे था, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो बस एक ही चीज है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसलिए कॉस्ट मॉडल लगना है या फेयर वैल्यू मॉडल लगना है ये फैसला किसके लिए होना है? फिर क्लास, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक ही चीज है, उसकी क्लासेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए फेयर वैल्यू मॉडल लगना है। अच्छा फेयर वैल्यू मॉडल अगर फैसला कर लिया तो जो अच्छे इलाके की बिल्डिंग है उनको फेयर वैल्यू पे रख लें और जो माड़े इलाके की है उनको कॉस्ट मॉडल पे कर लें? नहीं, सब फेयर वैल्यू पे करनी पड़ेगी। एक्सेप्शन का मकसद ये है IAS में लिखने का कि अगर बिजनेस के पास 15 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं और वो उनके लिए फेयर वैल्यू मॉडल रखना चाहता है, लेकिन उन 15 में से अगर एक बिल्डिंग ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू पता चल ही नहीं पा रही, तो उस एक मनहूस की वजह से वो बाकी 14 को भी फेयर वैल्यू पे ना रखे? नो सर मतलब ना रखे। तो इसलिए IAS ने कहा कि अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चलना चाहते हैं चलें, अगर कोई एक आधी बिल्डिंग नहीं फेयर वैल्यू पे रख पा रहे तो कोई बात नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल खराब ना करें। ये मतलब है एक्सेप्शन का, ये लिखवाने लगा हूं एक्सेप्शन के अंदर। एक्सेप्शन की बात दोबारा सुने, PPE की बहुत सारी क्लासेस हैं, कॉस्ट मॉडल रखना है कि रिवैल्यूएशन मॉडल रखना है, इसका फैसला किस बेस पे? पूरी क्लास, और उस क्लास के सारे एसेट्स कॉस्ट पे या सारे रिवैल्यूएशन मॉडल पे। लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कोई क्लासेस नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो इसमें सबको ही फेयर वैल्यू पे रखना होगा, और अगर किसी एक आधे की वजह से फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लग पा रहा तो सब का ही कैंसिल नहीं हो जाना, उन एक दो को फिर छोड़ देते हैं, बाकियों पे फेयर वैल्यू मॉडल चला लेते हैं, इसलिए इसको फेयर वैल्यू मॉडल की एक्सेप्शन कह रहा हूं। लिखिए अंग्रेजी, इफ देयर इज अ क्लियर एविडेंस
ये किस बात की एक्सेप्शन है? फेयर वैल्यू मॉडल। एक्सेप्शन का मतलब है कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है तो बिल्कुल चलाएं फेयर वैल्यू मॉडल। अगर कोई एक आधी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं फेयर वैल्यू पे अपडेट कर पा रहे तो बाकियों की कैंसिल ना करें, इसलिए इसको एक्सेप्शन कह दिया। इफ देयर इज अ क्लियर एविडेंस एट इनिशियल रिकग्निशन, इनिशियल रिकग्निशन का मतलब जब पहली दफा उस प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड कर रहे थे, ये एट इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इफ देयर इज अ क्लियर एविडेंस एट इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट द फेयर वैल्यू ऑफ एन दैट द फेयर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी is not बुध को होता है ना। आई 40 टेस्ट में आई 40 36 का तो हुआ था, 36 दोबारा कर यार, पिछला टेस्ट दिया कितने लोगों ने? नहीं उसे पूछ रहा हूँ आके। हाँ जी अंदाजन है क्यों भाई? रास्ते बंद से नहीं, टेस्ट रूम के रास्ते बंद थे नहीं, लेकिन क्लास में तो 30 लोग नहीं थे, क्लास में तो बहुत सारे थे। ठीक है आई 36 और आई 40 दोनों है। आई 36 और 40 है जी। जी जी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करता हूँ। क्या लिखा भाई, कहां तक लिखा? इज नॉट। इफ देयर इज अ क्लियर एविडेंस एट इनिशियल रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दैट द फेयर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, रिलायबली मेजरेबल क्या मतलब? कि आसानी से हम, आसानी तो कर नहीं, रिलायबली मेजर नहीं कर सकते ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस, on a continuing basis। on a continuing basis ये इसको हमने अपडेट कब करना होता है फेयर वैल्यू पे? किसी ना किसी साल के एंड पे, हर साल के एंड पे। तो इसके लिए तो फिर फेयर वैल्यू हर साल निकालनी पड़ा करेगी। तो अगर हमें किसी बिल्डिंग की पैदाइश पे ही पता चल गया था कि इसमें मसला ही आएगा कि कंटिन्यूइंग बेसिस पे हम फेयर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे इलाके में है जहां बिल्डिंग इतनी कॉमनली नहीं बिकती, ये मुराद है संग्रेजी से, कि हमें शुरू में ही अंदाजा था कि जिस जगह हम ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और खरीद तो हम इसको रेंट पे देने के लिए रहे हैं, लेकिन चूंकि ये बिकती नहीं है इसलिए फेयर वैल्यू भी नहीं पता चल पाती। ये मतलब है संग्रेजी का, इज नॉट रिलायबली मेजरेबल on a continuing basis। तो फिर क्या करें? then the entity shall measure that investment property using cost model, using cost model sentence chal raha hai abhi, and continue to apply cost model yani sirf ek saal mein nahi hoga, fir ab isko nikal ke side pe karna padega, fir ye cost model pe hi rahegi, and continue to apply cost model
until the disposal of that property. यानी इनिशियल रिकग्निशन पे अंदाजा हो गया था कि इसकी फेयर वैल्यू हमें नहीं पता लग पाया करेगी, तो हम फिर इसको शुरू से ही कॉस्ट मॉडल पे चलाएंगे और एंड तक कॉस्ट मॉडल पे ही चलाते रहेंगे। हाँ जी, हम इसको एंड तक फिर कॉस्ट मॉडल पे रखेंगे। और इसी में अगला सेंटेंस लिखें, दी रेजिडेंट वैल्यू। अच्छा, अगर कॉस्ट मॉडल पे चलाएंगे तो फिर डेप्रिशिएट भी करेंगे, और जब डेप्रिशिएट करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में रेजिडेंट वैल्यू भी चाहिए होती है। और रेजिडेंट वैल्यू क्या होती है कि एंड पे बेचेंगे तो कितने का बेचेगा। तो फिर अगर हमने ये फैसला कर लिया ना कि इसकी फेयर वैल्यू नहीं पता लगनी, फिर हमने इतना गुस्सा कर जाना है कि लिखे अगला सेंटेंस गुस्से में, दी रेजिडेंट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, दी रेजिडेंट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी अज्यूम टू बी जीरो। फिर इसकी रेजिडेंट वैल्यू भी जीरो लेके चलनी है, दी रेजिडेंट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी अज्यूम्ड टू बी जीरो। रेजिडेंट वैल्यू का क्या काम आ गया बीच में, क्योंकि कॉस्ट मॉडल पे चलेंगे तो डेप्रिशिएट करना होगा, डेप्रिशिएट करना होगा तो आर भी चाहिए होगी, तो उसको भी जीरो करना है। ये एक्सेप्शन है। अच्छा, अगली एक बात लिखिए, ये ठीक है एक्सेप्शन में ही लिख लें। क्या जी, किधर कौन है जीरो? देखिए, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ना वो तो मेथड की खामी है कि इसमें हम जीरो नहीं कर सकते, मजबूरन एक रुपया तो रखना ही पड़ेगा, तो एक रुपया भी तो ना करने वाली बात है नहीं, वो तो मेथड की मजबूरी है कि इसको जीरो की बजाय एक रुपया रखना पड़ रहा होगा, तो वो भी ना होने वाली बात है एक रुपया। एक्सेप्शन में ही एक पॉइंट और लिख ले, ठीक है एक्सेप्शन में ही रख लेते हैं इसको, है? नहीं नहीं, ये आप नरम जी के साथ जी। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये बहुत रेयर होता है कि इनकी फेयर वैल्यू ना पता चल पाए, ये बहुत ही रेयर होगा, तो इसलिए ये मसला ही नहीं आता होगा, इसलिए इसको लिखा भी नहीं गया। ये बहुत रेयर है कि प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ना पता चलती है, बहुत रेयर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदते ही हुए जो किराए पर देनी है, और जो चीज़ भी किराए पर दी जाती है उसको लोग, क्योंकि किराए पर जो एसेट दिया जा रहा है ना, वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। जैसे आज के हालात में इस वक्त एक काफी कॉमन फीचर ये है कि लोग एक घर बनाते हैं या एक पोर्शन बनाते हैं, फिर उसको किराए पे दे देते हैं ताकि एक रेगुलर इनकम चलती रहे, तो उनकी डिमांड्स होती हैं, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं होता कि फेयर वैल्यू ना पता चल पा रही हो। ये तो एक बहुत एक्सेप्शनल मसला था कि शायद शुरू से वो किसी ऐसे इलाके में थी जहां फेयर वैल्यू नहीं होती, हो सकता कोई ऐसा इलाका हो जहां पर वहां के लोकल्स का इतना कंट्रोल हो कि कोई बिल्डिंग खरीदता ही ना हो, हो सकता कोई ऐसा इलाका हो जहां गवर्नमेंट ने मना किया हो कि प्रॉपर्टी को खरीदनी बेचनी नहीं है, तो बहुत एक्सेप्शनल रेयर चांसेस हैं, वरना फेयर वैल्यू पता लगती है। अगला पॉइंट लिखिए जी, एक्सेप्शन में ही है ये, एक्सेप्शन की हेडिंग में ही अगली बात, अगला पॉइंट, इफ एन एंटिटी डिटरमिन्स दैट फेयर वैल्यू ऑफ an investment property under construction of an investment property under construction, यानी एक प्लाजा बना रहे हैं जो देना किराए पे है लेकिन अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। If an entity determines that the fair value of an investment property under construction is not reliably measurable but expects the fair value to be reliably measurable, angrezi repeat kar raha hu, if any entity determines that the fair value of an investment property under construction is not reliably measurable, यहां तक का मतलब है कि अगर एक बिल्डिंग अभी बन रही है
और मैनेजमेंट को लगता है कि इसकी फेयर वैल्यू अभी तो नहीं पता लगती, अधूरी बिल्डिंग को कौन खरीदेगा, बट एक्सपेक्ट द फेयर वैल्यू टू बी रिलायबली मेजरेबल व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। बट एक्सपेक्ट द फेयर वैल्यू टू बी रिलायबली मेजरेबल व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। यहां तक की अंग्रेजी का क्या मतलब है कि अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो फेयर वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैनेजमेंट को लगता है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब पता लग जाएगी फेयर वैल्यू। देन तो फिर आगे क्या करना है, देन इट शैल मेजर द प्रॉपर्टी, देन इट शैल मेजर द प्रॉपर्टी, देन इट शैल मेजर द प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन एट कॉस्ट until the fair value, until the fair value becomes reliably measurable, until the fair value becomes reliably measurable। ये हो गए एक्सेप्शन। फेयर वैल्यू मॉडल के तीन पॉइंट्स बताएं और एक्सेप्शन लिखवाई। एक्सेप्शन मैं सारी रिपीट कर रहा हूं। एक्सेप्शन ये है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की ना क्लासेस नहीं है जिस तरह पीपीई की होती थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो या तो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज के लिए कॉस्ट मॉडल होगा या सबके लिए फेयर वैल्यू मॉडल होगा। और अगर सबके लिए फेयर वैल्यू मॉडल तय कर लिया लेकिन किसी मनहूस की वजह से बाकियों का काम रुका हुआ है, तो वो है एक्सेप्शन कि आप उस बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू नहीं पता लग पा रही उसको कॉस्ट मॉडल पे चला लें और बाकियों को, तो ये है एक्सेप्शन। और इसी तरह से अगर एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसके लिए तो नेचुरल बात है फेयर वैल्यू नहीं पता होगी, तो उसको भी आईएएस कह रहा है कि आप फिलहाल उसको कॉस्ट पे रख लें, फिर जब फेयर वैल्यू पता लगेगी तो उस पे चले जाना। फेयर वैल्यू मॉडल खत्म। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में मैंने कॉस्ट मॉडल लिखा था, फेयर वैल्यू मॉडल लिखा था, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट खत्म। बिल्डिंग से मतलब कुछ बिल्डिंग का कुछ बिल्डिंग, अच्छा अच्छा मैंने कहा आधी बिल्डिंग, अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कि पीपीई है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, हाँ तो कोई बात नहीं, कुछ पे गेन आ रहा है कुछ पे लॉस आ रहा है, नहीं जी जिस पे गेन आ रहा है वो गेन है, जिस पे लॉस आ रहा है वो लॉस है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट खत्म। अभी एक बात बता रहा हूँ, ये अभी समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मसला नहीं। मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तब ये दोबारा डिस्कस करूंगा, अभी कोशिश कर लें टूटी फूटी भी अगर समझ आ जाए तो। बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग पढ़ाते हुए मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन बिल्कुल शुरू में और इनकम स्टेटमेंट बताई थी। इनकम स्टेटमेंट का वर्ड मैंने बोला था, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन को बैलेंस शीट भी कहते हैं। और मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक बेसिक जब एंड कर रहा था तो ट्रायल बैलेंस का एक सवाल किया, उस ट्रायल बैलेंस से इनकम्स और एक्सपेंसेस को लिख दिया कहाँ, इनकम स्टेटमेंट में। और इनकम स्टेटमेंट में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, अदर इनकम थी, फिर नेट प्रॉफिट था, सारी इनकम एक्सपेंसेस लिखे थे। फिर वहां से जो नेट प्रॉफिट निकला वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में चला गया। इनकम स्टेटमेंट से अब एक बड़ी चीज बता रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम होती है,
एक होती है स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, वो पूरा फॉर्मेट अभी नहीं बता रहा, अभी जरूरत नहीं है। जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाऊंगा और उसके बाद जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तब इसको बिल्कुल तफसील से पूरा फॉर्मेट ही आपके सामने लेके आऊंगा। अभी पूरा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ टू दी पॉइंट बातें बता रहा हूं। जो इनकम स्टेटमेंट सीखी हुई है यानी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, यहां से लेकर नेट प्रॉफिट तक जो पहले इनकम स्टेटमेंट में सीखा था, ये पोर्शन वही है जो पहले इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है आपने। ये पोर्शन हां इनकम स्टेटमेंट ही है और इस पोर्शन को पी एंड एल भी कहने होते हैं। इस पोर्शन के अंदर कौन कौन सी आइटम्स रिकॉर्डेड हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस में से इनकम्स और एक्सपेंसेस वो यहां रिकॉर्डेड हैं और उन सबका प्लस माइनस होकर जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो नेट प्रॉफिट है। कुछ ऐसे गेन्स और लॉसेस फॉर द ईयर होते हैं जिनके स्टैंडर्ड ने उनको इनकम और एक्सपेंस मानने से मना किया है। कुछ ऐसे गेन्स और लॉसेस फॉर द ईयर भी होते हैं जो है दिखने में गेन और लॉस, जैसे आई एस 16 में हमने रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ा था, ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन की और वैल्यू अपवर्ड हो गई तो उसको हमने इनकम कहा था, नहीं सरप्लस बनाया था ना, है वो गेन था लेकिन उसको इनकम नहीं मान रहे थे। तो ऐसे गेन्स और लॉसेस जो है गेन और लॉस फॉर द ईयर लेकिन उनके स्टैंडर्ड ने उनको इनकम एक्सपेंस मानने से मना किया है टोटल 5-6 आपके लेवल पर में से एक ही है रिवैल्यूएशन वाला। ऐसे मासूम गेन्स और लॉसेस उनको इस स्टेटमेंट में एक अलग जगह दी जाती है जो कि इसके बाद होती है, उसको कहते हैं अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। ये वो अदर इनकम नहीं है जो पहले आपने इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए पढ़ी थी, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। इससे ऊपर ऊपर जो पोर्शन है ना, यहां है इनकम अदर एक्सपेंसेस, लेकिन वो गेन्स और लॉसेस जो इनकम एक्सपेंस नहीं है लेकिन है वो फॉर द ईयर गेन लॉस, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में एक जगह है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसमें उनको दिखाया जाता है जो कि आपके लेवल पे एक ही है रिवैल्यूएशन गेन या लॉस। ये जो पोर्शन अब तक पढ़ा था ना वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस पूरे को कहते हैं, और जिस बिजनेस में ये है ही नहीं तो उसकी इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक ही बात है। अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक ज्यादा बड़ी चीज है जिसमें ये पोर्शन भी है और ये पोर्शन भी है, लेकिन जिस बिजनेस में ये पोर्शन ही नहीं होगा तो उसकी इनकम स्टेटमेंट को ही स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कह देंगे। अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ये पोर्शन जहां तक तो होता ही है, इसके बाद होती है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो आपके लेवल पे एक है बस, और जब ये दोनों लिख लेंगे चीजें इनके ग्रैंड टोटल के आंसर को कहते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और ये पूरी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अच्छा, अब ये जो यहां पर ये पोर्शन लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन गेन लॉस जिसको मैं कह रहा हूं, तो एक रिवैल्यूएशन लॉस तो पीएनएल में भी डालते हैं डबल एंट्री में, रिवैल्यूएशन लॉस पीएनएल को भी चार्ज हो रहा था, तो फिर वो कौन सा लॉस है और ये कौन सा लॉस है? इसका फैसला ऐसे होगा कि यहां क्या आना है, मैं आपको दो मिसालों से समझाता हूं, मुझे उम्मीद है आप सब काबिल बच्चे हैं, समझ आ जाएगी आपको। एक एग्जाम्पल है बिल्डिंग डेबिट पीएनएल क्रेडिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ये है 20,000, 8,000 और 12,000। रिवैल्यूएशन गेन वैसे बोलने में कि रिवैल्यूएशन गेन हुआ है वो कितना है? 20,000। वैल्यू बढ़ी है ना, देखें वैल्यू बढ़ी है, खुशी तो यही है कि वैल्यू बढ़ गई 20,000, लेकिन अकाउंटिंग करते हुए पहले पीएनएल क्रेडिट हुआ, क्यों हुआ होगा ये पीएनएल क्रेडिट? शायद पहले कभी लॉस था वो रिवर्स किया होगा बाकी यहां गया होगा। इसी तरह से एक और मिसाल, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट पीएनएल डेबिट 4,000, 1,500 और प्लांट क्रेडिट 5,500।
अब प्लांट की वैल्यू डाउन कितनी हुई है 5500, लेकिन अकाउंटिंग करते हुए इसमें से अच्छा लॉस 5500 है, इसमें से इतना डेबिट हुआ पहले सरप्लस को, खत्म हो गया सरप्लस, फिर पीएनएल की वैल्यू। ये जो पोर्शन है ना अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, यहां पर वो फिगर आनी है जो पीएनएल में नहीं जा पा रही, यहां पर वो फिगर आनी है जो रिवैल्यूएशन सरप्लस में डेबिट क्रेडिट आ रही है। यानी वैसे तो देखने में लग रहा है कि 20,000 का गेन है, लेकिन इसमें से यहां पर रिवैल्यूएशन गेन में क्या होना है 12,000, बाकी 8,000 ऊपर कहीं अदर इनकम में आ रहा होगा, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एड अदर इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये चार हेडिंग्स पड़ी है पुराने लेक्चर में ना, लेक्चर 10 में शायद, लेक्चर 9 में, लेक्चर 10 में 9 था अवेलेबल, सेल्स कॉस्ट ऑफ सेल्स अदर इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये चार हेडिंग्स तब आपको बताई थी, ये टोटल इनकम स्टेटमेंट थी एंड रिजल्ट नेट प्रॉफिट आ गया था। इस फॉर द ईयर रिवैल्यूएशन के नतीजे में 20,000 की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ये 8,000 पीएनएल में जा रहा है जो कि ऊपर कहीं अदर इनकम में आ रहा होगा, और ये 12,000 यहां रिवैल्यूएशन गेन के नाम से आएगा। इसी तरह अगर ये नीली वाली मिसाल हो तो वैसे ओवरऑल वैल्यू कितनी गिरी है, लेकिन इसको हम यहां पर ऐसे लिख रहे होंगे कि उधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहीं रिवैल्यूएशन लॉस 1500 आ रहा होगा और इधर रिवैल्यूएशन लॉस 4,000 आ रहा होगा। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में वो गेन्स और लॉसेस आते हैं जो उनके स्टैंडर्ड ने पीएनएल में जाने से मना किए होते हैं, आपके लेवल पे वो एक ही है। और ये फिगर फॉर द ईयर कैसे निकलेंगी, इन दो मिसालों से क्या समझ आ रहा है कि रिवैल्यूएशन की एंट्री में जो सरप्लस में डेबिट क्रेडिट जाना है वो यहां। अच्छा, रिवैल्यूएशन की एंट्री में, वरना एक एंट्री को इंक्रीमेंटल डेडक्शन की भी होती है, सरप्लस डेबिट क्रेडिट रनिंग क्रेडिट, उसकी बात नहीं हो रही, रिवैल्यूएशन वाली एंट्री में, फॉर द ईयर रिवैल्यूएशन वाली एंट्री में जो सरप्लस डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो इस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आना है, और वो जो हमने टेबुलर वर्किंग बनाई होती है अगर उससे याद रखना चाहें तो रिवैल्यूएशन की लाइन में जो फिगर हम सरप्लस कॉलम में लिख रहे होते हैं वो ये फिगर। समझ आई बात? चलें फिर आपने अपने आप को समझाने के लिए जो लिखना है लिख लें, कुछ लिख लें सही कि आप अपने आप को याद रखवा सकें कि यहां कौन सी फिगर लिखनी है, ये मिसालें भी नोट करनी है जरूर कर लें, जो मैंने टेबुलर वर्किंग वाली बात की है वो भी, बस अपने लिए आपने यहां पहचान लिखनी है कि यहां कौन सी फिगर आनी है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी एड अदर इनकम 4-5 लाइनें, फिर लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 8-10 लाइनें, ये एक फॉर्मेट था ना इनकम स्टेटमेंट का। तो इस मिसाल में ये 8,000 एक इनकम बन रही है, तो हम यहां एड अदर इनकम में लिख देंगे रिवैल्यूएशन लॉस रिवर्सल, यहां पर पीएनएल एक्सपेंस बन रहा है 1500, तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाली हेडिंग में जहां सैलरी आ रही होंगी, डेडक्शन आ रही होगी, वहां पर एक रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा 1500। तो ये जो पीएनएल वाली फिगर है ये तो इस पोर्शन में है, और जो सरप्लस में डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो ये वाली चीज है।
हाँ जी, कुछ कहा था अपने लिए लिखने को? लिख लिया सब? वो लिखना है जो आप दो महीने बाद अगर पढ़ने बैठे तो पता चले क्या था। क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़े करता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़िए बोर्ड पे करता हूं। नहीं ना, सरप्लस वाली फिगर तो जा ही नहीं रही ना पीएनएल के अंदर। क्या ये पीएनएल में जा रहा है? तो फिर यहां कैसे आएगा? इस नाम से जो डेबिट क्रेडिट हो रहा है उसका यहां दाखला बंद है, उसका यही जगह है। हाँ लॉस होगा तो ब्रैकेट लग जाएगा। क्वेश्चन फाइव पढ़ने में करता हूं बोर्ड पे। अच्छा क्वेश्चन फोर में एक चीज ना आपने पूछी ना मुझे बतानी याद रही। क्वेश्चन फोर पे आइए। क्वेश्चन फोर, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी वाई डिस्कस करा था, 1 जुलाई 2017 को ये खरीदी थी। क्वेश्चन फोर एक चीज मिस होगी बतानी, 1 जुलाई 2017 को ये खरीदी थी प्रॉपर्टी वाई, प्रॉपर्टी वाई, लेकिन ये किराए पे तो दी ही 1 जुलाई 2018 को है, तो इससे पहले इसको क्यों हमने कह दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? हाँ तो कोई बिल्डिंग अगर वेकेंट हो लेकिन हो किराए पे देने के लिए ही, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही होती है। तो बेशक वो 1 जुलाई 2018 को किराए पे दी है, इवन देन वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही थी पहले भी। अच्छा चलिए बस ये बात बतानी थी। क्वेश्चन फाइव नहीं रहने दें, क्वेश्चन फाइव रहने दें, इसमें तो वो ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। नहीं नहीं क्वेश्चन फाइव छोड़ दे, ग्रीड ये बता दो। क्वेश्चन फाइव को ट्रांसफर पढ़ा के फिर कराऊंगा, अभी नहीं। मेजरमेंट कंप्लीट। अब इसमें लास्ट चीज है ट्रांसफर, IS-40 में लास्ट चीज है ट्रांसफर। जी जी छोटा था ये सर। अच्छा हाँ आज भेज दूंगा मैं रात को। कल आप ना IAS-20 इसके कॉपी से नोट्स लेते आइए रात में।
IAS 20. अभी इस पे मैं कल रात को काम थोड़ा करके फिर भेज दूंगा कॉपी उनको. IAS 40 की लास्ट चीज. अच्छा, मैंने असेसमेंट का कहा था फिर डिस्कस करने को कहा था. हाँ तो वो ये ना ये बीच में रह जाएगा, ठीक नहीं, मैं इसको पूरा कर लूँ फिर पहले कल असेसमेंट डिस्कस करके फिर IAS 20 शुरू करूंगा. तो असेसमेंट कल करूंगा डिस्कस, अभी इस IAS 40 को पूरा कर लें. ट्रांसफर्स, है जी, इस पे सेपरेट सवाल तो नहीं आया कभी, लेकिन ये कि IAS 8 एक टॉपिक पढ़ना है उसमें ये मिक्स हो सकता है. उसके अलावा IAS 16 का जो कंबाइंड सवाल आता है उसमें टेस्ट हो सकता है, MCQs में हो सकता है. इन्हें कोई सेपरेट सवाल इसका नहीं है, तभी आप इसमें देखेंगे पास पेपर का कोई नहीं है, सब मैंने खुद ही बनाया. ट्रांसफर्स. अच्छा, बिल्डिंग, बिल्डिंग जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को शुरू में डिफाइन करके उसकी मिसालें डिस्कस कर रहा था, तो बिल्डिंग्स तीन तरह की हो गई. वो बिल्डिंग जो हम खरीदते बेचते हैं, हमारा काम यही है, वो कौन से आई है, वो कौन से टॉपिक में चली जाएगी, इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री है. वो बिल्डिंग जो खुद यूज कर रहे हैं, पीपी ओनर ऑक्यूपाइड, IAS 16. और वो बिल्डिंग जो किराए पे देते हैं, IAS 40. तो बिल्डिंग्स ये तीन अलग अलग चीजें होंगी. और इन्वेंट्री जो है ना उसके लिए IAS 2 लगता है, IAS 2, वो इन्वेंट्री को कवर करता है. ट्रांसफर्स से मुराद यहां पर ये IAS में ट्रांसफर है, यानी वो बिल्डिंग जो पहले हम किराए पे दिए हुए थे, तो कौन से IAS में थी, अब हमने किराएदार से खरीदारी करा ली और खुद अपना वहां ऑफिस शिफ्ट कर लिया, तो अब वो IAS 40 बिल्डिंग वही है, लेकिन अब वो ट्रांसफर होकर IAS 16 में आ गई. ये मुराद है ट्रांसफर से. इसी को उलट कर लेते हैं कि पहले एक बिल्डिंग खुद अपने ऑफिस यूज में थी, IAS 16 में थी, अब वो खाली करके और उसको किराए पे दे दिया, तो ये ट्रांसफर इन भी हो सकता है, ट्रांसफर आउट भी हो सकता है. ये मुराद है ट्रांसफर टॉपिक से. तो पहले तो उसमें अंग्रेजी लिखें, लिखें लिखवा रहा हूं. एन एंटिटी शैल ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा हूं एन एंटिटी शैल ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. रिपीट, एन एंटिटी शैल ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू और फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. यहां तक का क्या मतलब, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. तो ट्रांसफर इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है. व्हेन एंड ओनली व्हेन, यानी सिर्फ और सिर्फ तब, व्हेन एंड ओनली व्हेन ये बात जो है ना, ये जैसे व्हेन एंड ओनली व्हेन है, इफ एंड ओनली इफ है, ये ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए होती है. व्हेन एंड ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन यूज यानी बिल्डिंग के यूज में चेंज है, तो फिर ये IAS ट्रांसफर करेगा. अगला सेंटेंस इसी में, यानी यही बात चल रही है, ट्रांसफर के अंदर वाली अंग्रेजी ही बता रहा हूं. सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप. अब फुल स्टॉप के बाद अगला सेंटेंस. पिछली बात खत्म कहां हुई है, तो अगर आप डिफाइन किया होने लगा कि चेंज से मुराद क्या है, तो बाकी बात, अ चेंज इन यूज अकर्स. पहला सेंटेंस ये था कि एंटिटी एक प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर देगी या वहां से बाहर ट्रांसफर कर देगी व्हेन देयर इज अ चेंज इन यूज. अब अगली बात के चेंज इन यूज से क्या मुराद है, तो उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है. अ चेंज इन यूज अकर्स व्हेन उसके बाद दो बातें. अ चेंज इन यूज अकर्स व्हेन
उसके बाद दो बातें, पहली the property meets or ceases to meet. Cease का मतलब होता है बस खत्म. Ceases to meet the definition of investment property. यहां तक का क्या मतलब? अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लाना है एक बिल्डिंग ओन्ड ओनर ऑक्युपाइड थी, अब उसको लाना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो एक तो ये कि अब वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन मीट करने लग गई हो, या फिर उलट पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी अब उसको निकाल के अपना ऑफिस बनाना है, तो फिर अब डेफिनेशन से बाहर निकल गई. व्हेन एक बार, एंड दूसरी बात, यानी ये दो बातें पूरी होंगी तो ही चेंज है. ये चीज ना आपसे एमसीक्यू में टेस्ट हो सकती है जो बात ये समझा रहा हूं. There is evidence of the change in use. यहां तक नोटेड? अच्छा, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट ही के लिए एक बार ब्रैकेट में लिख लें, ये सी बी के लिए. ये जो बी है ना पॉइंट, इसके लिए एक बार ब्रैकेट में लिखवा रहा हूं. A change in management's intention is not an evidence of change in use. Evidence of change in use. अच्छा, अब ये सारी जो अंग्रेजी है ना, इसको मैं समझाता हूं. अगर किसी बिल्डिंग को पहले किराए पे दिया हुआ था और अब उसको खाली करा के खुद यूज करने लगे हैं, तो ये चेंज है. लेकिन ये चेंज सिर्फ तब काउंट होगी जब एक तो वो बिल्डिंग अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से निकल जाए और सबूत भी मौजूद हो कि वाकई चेंज होने लगा है. अच्छा, कैसे साबित होगी ये बात? कोई किराएदार को नोटिस दे दिया हो या खाली करा लिया हो, और खाली करा लेंगे, बल्कि नोटिस नहीं, जब तक किराएदार है तब तक वो किराए थे, खाली करा ली गई है, सफेदियां होने लग गई हैं, जो ऑफिस में खुद चेंजेस करनी है, कैबिन लगने शुरू हो गए हैं, उस दरवाजे डिफरेंट लगने शुरू हो गए हैं, अब ये हिलजुल होना क्या साबित कर रहा है कि वाकई हम शिफ्ट होने लगे हैं खुद? ये जो आखिर में बात लिखाई है, इसका मतलब ये है कि अगर किराएदार से तंग है और मालिक सोच रहा है कि बस निकालो उनको और खुद यहां शिफ्ट हो जाओ, उसकी सोच के ऊपर नहीं चेंज आ रही. यानी सिर्फ और सिर्फ सोच बदलने से नहीं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकल जाएगी, वाकई एक्शन लेना शुरू कर दिया हो, वाकई सबूत होना शुरू हो कर दिया हो कि बिल्डिंग खाली करा ली है,
उसमें चेंजेस करनी शुरू कर दी है जिस हिसाब से हमने यूज करनी है, तो सबूत माना जाएगा, सिर्फ इंटेंशन के होने से सबूत नहीं होगा। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? एग्रीमेंट किससे? किराएदार से। लेकिन जब तक वो किराएदार के पास है तब तक तो वो किराए पे ही है ना। ठीक है, हाँ एविडेंस है, लेकिन जब तक वो खाली नहीं कर रहा तब तक वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन ठीक है, सफिशिएंट एविडेंस है, उसके बाद जब खाली हो जाएगी फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से भी निकल जाएगी। एविडेंस भी आ गया और अब जब खाली हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से निकल जाएगी। तो हाँ, एग्रीमेंट भी एक एविडेंस है जी। हाँ देखें, ये जो सारी सब अंग्रेजी की बातें हैं ना, ये सब्जेक्टिव हैं, यानी ये किसी कोर्ट में नहीं प्रूफ करना जाके कि एविडेंस है कि नहीं। ये तो मैनेजमेंट ने फैसला करना है कि क्या वाकई ही वो उसकी अकाउंटिंग बदलना चाह रहे हैं, क्या वाकई ही वो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चेंज करने लगे हैं। ये तो बस ऑडिटर को सेटिस्फाई करना है, तो कोई कानून की नजर में नहीं एविडेंस होना जरूरी है। ये जो बात की है ना कि क्या सबूत है कि उसके बाद दोबारा किराएदार नहीं रख लेंगे, तो ये कानून में तो साबित नहीं करना है, तो बस ऑडिटर को जस्टिफाई करना है। तो ये भी मुनासिब एविडेंस है कि पुरानी बिल्डिंग खाली करा लिए। ट्रांसफर जी? नहीं, ट्रांसफर डन नहीं, तो शुरू हुई है। हाँ जी, क्योंकि आप बनी बनाई पीपीई को निकालने लगे हैं ना, तो फिर ज्यादा इसमें करना पड़ेगी सकती। पहले तो बिल्डिंग खरीद रहे थे और खरीदने के लिए नियत होना कि किराए भी देना है काफी था, लेकिन अब पीपीई चल रहा है, वो है IS 16 में, अब शिफ्ट करने के लिए थोड़ी और चीजें देखनी पड़ेंगी। ट्रांसफर्स कब करने हैं ये बता दिया, कैसे करना है वो बताने लगा। ट्रांसफर आउट बता रहा हूं पहले, क्या मतलब ट्रांसफर आउट? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से अब इनको निकाल देना है। अच्छा, ये ना मुझे पहले नोट करने दीजिएगा, क्योंकि मैं तो टेबल बना दूंगा, मैं तो मिटा के भी लाइन बढ़ा सकता हूँ, आपके पास जगह नहीं बनेगी, इसलिए पहले मैं इसको नोट कर लूँ, फिर आप करिएगा नोट। अगर IS 40 में प्रॉपर्टी कॉफ मॉडल पे थी और अब IS 16 को जाना है तो क्या करेंगे? यहां लिखूंगा, और जो यहां लिखूंगा कि IS 40 में जब थी, यहां क्या लिखूंगा? कॉफ मॉडल पे थी और अब इन्वेंट्री में जाना है तो क्या करेंगे? यहां क्या लिखूंगा कि जब IS 40 में थी और फेयर वैल्यू मॉडल पे थी, अब IS 16 में जाना है तो क्या करना है? और IS 40 में थी तो फेयर वैल्यू मॉडल पे थी और अब इन्वेंट्री में जाना है तो क्या करना है? ये इस तरह से मैं चार डब्बों में लिखूंगा जी। इन्वेंट्री स्टॉक, हाँ नहीं, वो बिल्डिंग इन्वेंट्री है। बिजनेस जो बिल्डिंग बना बना के बेचता है तो वो बिल्डिंग उसका स्टॉक है। अगर एक बिजनेस बिल्डिंग्स बना के बेचता है उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। इन्वेंटरी की डेफिनेशन
एक बिजनेस है जो जूते बेचता है, उसकी इन्वेंट्री क्या है? जूते। अब वो जूते किसी गोदाम में रखे हुए हैं, तो वो जूते उसकी इन्वेंट्री है, वो गोदाम इन्वेंट्री नहीं है। यही क्या? नहीं नहीं, वो जूतों वाली मिसाल पे बताओ पहले। हाँ, वो जगह इन्वेंट्री नहीं भाई, जूते इन्वेंट्री है। वो जूते, पहले जूतों वाली की बात कर रहे हो आप, मेरी बात सुने। जूते इन्वेंट्री है, ठीक है। अब वो जूते जिस बिल्डिंग में रखे हुए हैं, वो बिल्डिंग वेयर हाउस है, वो बिल्डिंग तो पीपीई है, वो बिल्डिंग पीपीई है, जूते इन्वेंट्री है, जूते इन्वेंट्री है। अब एक और बिजनेस, वो बिजनेस घर बना के ही बेचता है, तो उस बिजनेस की गुड्स ही घर हैं, तो वो जो जो घर उसके पास अभी बने हुए हैं, वो घर उठा के उसने स्टोर में नहीं रखे होंगे, जहां जहां घर बने हुए हैं वो सब, जहां जहां घर हैं वो घर उसकी इन्वेंट्री है। नहीं समझ आई? बिजनेस के पास जो बिल्डिंग थी, जो अभी बिल्डिंग जिसकी बात हो रही है, वो किराए पे दी हुई बिल्डिंग थी, तो वो बिल्डिंग उसके लिए क्या थी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। वो बिजनेस बिल्डिंग्स किराए पे भी देता है और बिल्डिंग्स बना के बेचता भी है, तो वो जो बिल्डिंग्स बना करता है वो बिल्डिंग्स उसकी इन्वेंट्री होती हैं, और वो जो बिल्डिंग उसने किराए पे दी हुई थी वो बिल्डिंग उसकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। तो अब उसने क्या किया कि वो बिल्डिंग किराए से खाली करा ली और उसको पेंट शेंट करा के अब वो भी बेचने लगा है, तो वो बिल्डिंग पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब इन्वेंट्री में शिफ्ट हो जाएगी। इन्वेंट्री सिर्फ शूज नहीं होते ना। अच्छा, ये टेबल पूरा कर ले यार। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब थी तो IS-40 में वो कॉस्ट मॉडल पे थी। अब वो बिल्डिंग खाली करा के हम खुद उसको अपना ऑफिस बनाने लगे हैं। अगर पहले कॉस्ट मॉडल पे थी ना IS-40 में, तो यकीनन IS-16 पे भी उसको हम कॉस्ट मॉडल पे ही रखेंगे। अब नहीं, उसको रातों रात रिवैल्यूएशन पे ले जाएंगे, यकीनन वो जहां भी कॉस्ट मॉडल पे ही जानी होगी। तो वो बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एक्शन आ रही थी, किस हेडिंग में? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। अब वही बिल्डिंग उसकी कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एक्शन सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की हेडिंग से निकल के पीपीई की हेडिंग में शिफ्ट हो जाएगी। वो रहेगी उतने ही की बिल्डिंग, उसकी कॉस्ट भी उतनी ही रहेगी, एक्यूमुलेटेड एक्शन भी उतनी ही रहेगी। बस पहले क्या था, वो हेडिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में थी, अब वो पीपी में शिफ्ट हो जाएगी, सिर्फ नाम का फर्क पड़ जाएगा बस। तो इस डब्बे का जवाब है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो कैरिंग अमाउंट थी, बस अब वही बिल्डिंग आज से पीपीई कराए चलेगी। लेकिन अब अगर वो बिल्डिंग खाली करा के हम उसको डेवलप कर रहे हैं कि बेचेंगे, तो इन्वेंट्री डेप्रिशिएट नहीं होती, इन्वेंट्री की बस कॉस्ट होती है। तो उस बिल्डिंग की जो नेट बुक वैल्यू थी, हम समझेंगे कि इतनी कॉस्ट की इन्वेंट्री बन गई हमारे पास। अच्छा, अब यहां पर मैंने जो फर्क लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, ये मेरा मकसद ये था कि उसकी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड दोनों कायम रहेंगी। मैंने जो ब्रैकेट में लिखा ना कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड एक्शन, इससे मेरा मेरी मुराद ये है कि कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड दोनों कायम रहेंगी। बस पहले वो बिल्डिंग 200 मिलियन कॉस्ट और 80 मिलियन एक्यूमुलेटेड एक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हेडिंग में आ रही थी, अब वही बिल्डिंग 200 मिलियन कॉस्ट 80 मिलियन एक्यूमुलेटेड एक्शन के साथ पीपी की हेडिंग में आ जाएगी। ये मैंने लिखा कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड। लेकिन जहां पर मेरा ब्रैकेट में नेटबुक वैल्यू लिखने का मकसद यह है कि अगर वो 200 कॉस्ट और 80 एक्यूमुलेटेड यानी 120 बुक वैल्यू वाली बिल्डिंग थी, तो अब हम समझेंगे कि वो 120 मिलियन कॉस्ट वाली इन्वेंट्री है।
अब आप ये जरूर बेशक नोट कर लें जी, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट हो जाएगी। रेजिडुअल वैल्यू सिर्फ डेप्रिसिएशन के फार्मूले में होती है बस, वरना बुक्स में थोड़ी रेजिडुअल वैल्यू आ रही होती है। रेजिडुअल वैल्यू तो डेप्रिसिएशन के फार्मूले में होती है ना बस, ये फार्मूले में कैलकुलेशन कैसे होनी है, बुक्स में तो रेजिडुअल वैल्यू नहीं होती कोई चीज बेटा। कॉस्ट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, बुक्स में कहीं रेजिडुअल वैल्यू नहीं, कोई तीसरी चीज नहीं आ रही होती। रेजिडुअल वैल्यू तो डेप्रिसिएशन के फार्मूले में लिखने वाली एक चीज है। अच्छा, यूजफुल लाइफ बुक्स में कहां आ रही होती है? तो फिर डेप्रिसिएशन के फार्मूले में तो होती है, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन के फार्मूले की एक चीज है। बुक्स में कॉस्ट एक अकाउंट में होती है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक अकाउंट में होती है, रेजिडुअल वैल्यू नहीं कि बुक्स में होती है। वो तो डेप्रिसिएशन फार्मूले की कैलकुलेशन के लिए था ना। अच्छा, आइंदा से क्या होगा? आइंदा से तो आई 16 लगेगा ना, आई 40 तो खत्म हो गया फिर। जब सवाल ये है कि वो जब आई 40 में था, कॉस्ट मॉडल पे था, आरबी कितनी थी? कॉस्ट मॉडल में था, एक्सेप्शन था जीरो। अब अगर वो आई 16 में आ जाएगी तो क्या अब भी वो आरबी जीरो रहेगी? नहीं, अब आई 16 में आ गया, 40 की सख्तियां खत्म हो गई, तो आइंदा आई 16 चलेगा फिर। यहां क्या करें? यहां दोनों में सेम बात है, तो ये दरमियान की दीवार हटा के मैं लंबी एक ही बात लिख दूं तो उसे समझ आ रहा है कि दोनों में सेम है? है? ना रहे दीवार, आप उसको पार करा के लिख दें, ना रहे दीवार, आप दीवार रहने दें, लेकिन जुमला जब आप इस तरह लिखेंगे तो दोनों के अंदर होगा यार। फेयर वैल्यू मॉडल पे क्या होता था जब आई 40 में था? हर ईयर रीवैल्यू नहीं यार, हर ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे अपडेट करते थे, और जो गेन लॉस है। अच्छा, ये एंट्रीज ये सब किस दिन हो रहा होगा? ये सब किस दिन हो रहा है? जिस दिन ट्रांसफर कर रहे हैं, वो 13 मार्च को भी कर सकते हैं, वो नहीं ईयर एंड पे होना। ये सब हो रहा है जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है, खत्म कर रहा हूं आखिरी जुमला, आप सवाल ज्यादा पूछना शुरू हो गए ना, लंबी बात चली गई। ये सारी अकाउंटिंग कब हो रही है? जब ट्रांसफर हो रहा है। अब वो ट्रांसफर किसी भी दिन हो सकता है। फेयर वैल्यू मॉडल था अगर, तो चाहे इस बिल्डिंग ने आई 40 के घर से निकल के आई 16 के घर में जाना, चाहे आई 2 के घर में जाना, घर से निकलने से पहले इसको नहला धुला के फिर निकालें, यानी फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, जो गेन लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। अब नहा धो लिया उस बिल्डिंग ने, अब जो वो फेयर वैल्यू अपडेटेड हुई है, हम समझेंगे कि आई 16 में एक नई बिल्डिंग आई है उतनी कॉस्ट वाली, हम समझेंगे आई 2 में एक नई इन्वेंट्री आई है उतनी कॉस्ट वाली। ये डब्बा बंद और दूसरा डब्बा इंशाल्लाह कल बता के ट्रांसफर इन वाला, तो आई 40 खत्म। ये आखिरी लाइन आ रही है इसमें, ये ट्रांसफर आउट का डब्बा है। प्रॉपर्टी शैल बी रीमेजर्ड टू फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एज पर आई 40, यानी जो गेन लॉस होगा वो This updated fair value, this updated fair value, this updated fair value will now be treated considered as cost of PPE inventory. चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।